और ये है माशाल्लाह चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नज़ारा, देखिए अलग ही लेवल का दिखता है भाई, ऐसा लगता है कि नहीं ये स्टेशन है। और ये लास्ट है यहाँ पे, मुंबई का दो लास्ट स्टेशन यही है, एक चर्च गेट और एक अपना वीटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसके आगे दीवार है, बाकी उसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। अभी आपको दिखाऊंगा लास्ट में, देखिए ट्रेन नहीं जाती है, अब ये सब लोकल लगी है। यहाँ से ये लास्ट चर्च है, चर्च गेट हो गई, और इधर से लोकल जो जाती है वो देखिए चर्च गेट, ये देखिए चर्च गेट, और यहाँ से लास्ट आपका अपना वही जाता है इधर विरार, विरार साइड अपना, बाकी गोरेगांव, अंधेरी, बांद्रा, दादर, सांताक्रूज जो भी है इधर से ही जा सकते हैं, वसई विरार, ये सब ट्रेन इधर से जाती है। जैसे अभी देखिए इस पर गोरेगांव की ट्रेन आने वाली है, इस पर जी लिखा है गोरेगांव, बी ओ है बोरीवली, सब कोडवर्ड है, आप खुद मुंबई में रहेंगे तो सीख जाएंगे सब लोकल। और ये नज़ारा है कुछ अपना चर्च गेट रेलवे स्टेशन का, और देखिए इस पर भी लोकल आ गई, आपको दिखाते हैं अभी। अभी मैं थोड़ा यहाँ पर बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ, और ये देखिए सामने देखिए ट्रेन आ रही है, और अभी आपको बाहर से भी नज़ारा दिखाएंगे लोकल ट्रेन का, ये अपना स्टेशन का, और ये आ गई लोकल, ये देखिए ये लोकल आ गई, अभी ये रिटर्न गोरेगांव जाएगी। और कभी भी यहाँ लोकल पे सफ़र करे तो अपना कौन सा क्लास है वो देख ले, जरूर चेक कर ले। जैसे अगर आप हैं, देखिए ये फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में भी लेडीज़ का भी होता है, तो लेडीज़ वाला हम तो एकदम खास करके ना चढ़े, अगर आप जेंट्स हैं तो। जैसे ये फर्स्ट क्लास है, इसमें लेडीज़ का लोगो नहीं लगा हुआ है, तो नॉर्मली कोई भी चढ़ सकता है, मतलब अगर फर्स्ट क्लास का टिकट है तो। ये देखिए बाकी एक सेकेंड क्लास होती है, आपको दिखाते हैं। और ये नज़ारा है कुछ रेलवे स्टेशन, ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकेंड क्लास है, ये आपको दिखाते हैं। और हम स्टेशन के बाहर निकलेंगे, हम चाहते थे इधर से शॉर्ट, तो ये सेकेंड क्लास है, इस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी ये सीनियर सिटीजन का है, तो वो सब देख के अपना चढ़े। और ये देखिए वो बोरीवली गई, बोरीवली की, और वो देखिए उसमें वी लिखा है, वी लिखा है मतलब वो विरार की ट्रेन है, वो विरार जा रही है वो लोकल। और ये कुछ नज़ारा है वीटी अपना, सॉरी चर्च गेट का, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का जो लास्ट है, जो आपको देखिए सामने आपको दिखाते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब समुंदर है आगे, फिर सिटी है, तो बाद में फिर समुंदर है, एंड है यहाँ पे। यहाँ से देखिए यहीं तक ले लास्ट आती है रेल ट्रेन है जो, और यहाँ से फिर रिटर्न जाती है। जो पुराने होंगे उनको अच्छी तरह से मालूम होगा, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई। और ये देखिए, और देखिए यहाँ तक लास्ट आए, वहाँ पर भी लास्ट एंड है, यहाँ पर लास्ट एंड है देखिए, और चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नज़ारा है वो देखिए, एंड है, ये एंड है। और चलिए अभी बाहर से नज़ारा दिखाते हैं आपको चर्च गेट रेलवे स्टेशन का, ये कुछ नज़ारा है। अभी इधर से भी हम निकल सकते हैं, इधर से ही निकल के आपको दिखाते हैं, और ये इधर से भी निकल सकते हैं, अपने को एक्चुअली वही साइड जाना है, लेकिन मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा स्टेशन का नज़ारा, तो इसके लिए मैं इधर से जाऊंगा, और वहाँ से आप बोर्ड देख के जा सकते हैं कौन सा फास्ट है। और चलिए अभी यार, टिकट ले कंपलसरी ले, टिकट कोई ख़ास महंगा नहीं है यहाँ पर, लेकिन आदमी 2-4-10 रुपये बचाने के चक्कर में अपना इंसल्ट करवाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं, तो वो काम ना करें। और ये नज़ारा है देखिए बाहर का कुछ, जो आपको खाने वाने के लिए भी, अब देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के लिए यहाँ से बस जा रही है, तो यहाँ से आप गेटवे ऑफ इंडिया के लिए बस ले सकते हैं ये सामने, बाकी आपको शेयरिंग वगैरह भी मिल जाएगा, ये सब शेयरिंग वाली है जो गेटवे ऑफ इंडिया जाने, और अब पैदल भी जा सकते हैं, अगर आप पैदल इंटरेस्टेड है जा सकते हैं, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर होगा, 2-2.5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लग रहा है सुनने, लेकिन ये शहर है, सिटी है, तो सिटी में कुछ ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा नहीं है। और ये मुख्य द्वार है चर्च गेट का, ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का, ये जिसको वेस्टर्न लाइन बोलते हैं, ये वेस्टर्न लाइन है,
अभी मैं जिसमें जाऊंगा, और देखिए ये अंग्रेजों की बाएं आया हुआ भाई, और अब देखिए चर्च के रेलवे स्टेशन पर नजर, ये है इसका मेन मुख्य द्वार, और यहाँ से आपको शेयरिंग ये सब मिल जाएगी, आप शेयरिंग पे या मीटर पे जैसा मन करे वैसा जा सकते हैं। और ये सब जो दिख रहे हैं ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है सब कुछ, कुछ ऑफिस वगैरह है, और ये सब देखिए इलेक्ट्रिक बस है, बस बैटरी वाली, अभी क्योंकि मुंबई से बहुत हटा रहा है डीजल वीजल का जितना जो था, सीएनजी तक भी हटा दे रहा है जहाँ तक, अभी बैटरी पूरा लाने की कोशिश कर रहा है, वो डबल डेकर बस जा रही है, दिखाता हूँ। और ये है भाई नज़ारा देखिए चर्च गेट रेलवे स्टेशन का, और यहाँ से भी हम लोग राइट मार के सीधा चले जाएंगे, और वो एक बहुत ही काफ़ी फेमस थिएटर है, मैं नाम नहीं जानता, भूल गया उसका, लेकिन काफ़ी फेमस है वो। और यहाँ से आप देखिए यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह जा सकते हैं, वीटीए स्टेशन जा सकते हैं, वीटीए स्टेशन यहाँ से भी जाके आगे राइट्स मार के, अगर आप गूगल मैप यूज़ करते हैं तो देख सकते हैं गूगल मैप पे। और चलिए अभी यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, सिग्नल बंद है, और ये बैटरी वाली बस से पूरा देखिए, ऐसा लग रहा है देखने में कि डीजल है लेकिन बैटरी वाली है, और यहाँ से भी क्रॉस कर देते हैं क्योंकि आप मरीन लाइन्स देखिए, गाड़ी वाड़ी देख ले, ये सामने मरीन लाइन स्टार्ट हो जाता है मरीन ड्राइव, जिसको मरीन ड्राइव बोलते हैं, जिसका अलग वीडियो भी बनाएंगे, वो भी आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। और ये नज़ारा है देखिए, यही चर्च गेट है रेलवे स्टेशन, जो यहाँ पे क्या है कि हर रेलवे स्टेशन में एक ऑफिस भी बना देता है, तो इसे समझ में नहीं आएगा कि स्टेशन ही है कि कुछ और है। और देखिए खूबसूरत नज़ारा, बोलिए और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और लाइक कर दें वीडियो को, और कुछ कमेंट करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आप आए हैं तो, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और वीडियो शेयर कर दें। और ये देखिए डबल डेकर बस है, आपको दिखाते हैं, और ये है चर्च गेट रेलवे स्टेशन, और ये है डबल डेकर बस, ये देखिए ये डबल डेकर बस जा रही है माशाल्लाह, ऐसा लगता है लंदन वंदन में एकदम सेम वैसा वाला बस दिया है, अच्छा फील होता है यहाँ पे, यह सब जगह लगती है सिटी है। और चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पे, नई जगह नए लोकेशन, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, जय हिंद।